हेलो फ्रेंड्स, मैं नेम सारोजन एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल क्रिएटिव आवर। तो आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ इन ड्यूओपोर्ट्स M80 की, और इनका रिव्यू भी देने वाला हूँ आप लोगों को, और ये भी बताने वाला हूँ कि क्या आपको ये ईयरफोन्स खरीदने चाहिए या नहीं। ए ह्यूज थैंक्स टू मे वी फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। अब बात करें इन ईयरफोन्स की अनबॉक्सिंग की, तो ये डिजाइंड एंड इंजीनियर्ड इन इंडिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और जैसे हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो हमें मिलता है लीफलेट, और उसके अंदर हमें क्राफ्ट्समैन नोट देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर है मीवी के फाउंडर्स की ओर से एक नोट, और इसके बाद हमें देखने को मिलता है 1 ईयर वारंटी का रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल। उसके बाद हमें बॉक्स में रखा मिलता है ये ड्यूओपोर्ट्स M80 का चार्जिंग केस, और उसके साइड में रखी हुई है ये ब्लैक बॉक्स में की USB-C केबल, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये आपको कुछ एक्स्ट्रा सिलिका जेल टिप्स देखने को मिलते हैं, जिससे आप अपने फिट अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब बात करें इन ईयरफोन्स की ऑडियो क्वालिटी की, तो मैं ये कहना चाहूँगा बिल्कुल डीप बेस मिलता है आपको, और इनकी जो साउंड क्वालिटी बहुत ही क्लियर है। अभी मैंने काफ़ी सारी वीडियो कॉल्स अटेंड करी इसके ऊपर, और मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है। माइक की क्वालिटी भी साथ में अच्छी है, और जो ऑडियो क्वालिटी है वो तो क्लियर है, बिल्कुल एकदम हाई बेस है। इसके साथ में आपको गाने सुनने में बहुत ही मज़ा आएगा। अभी पैंडेमिक के चलते हुए मैंने इनमें काफ़ी वीडियो कॉल्स अटेंड करी, जो कि इनकी माइक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और साउंड क्वालिटी एकदम क्लियर है। इसमें साथ ही साथ आपको नॉइस कैंसिलिंग भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये आपकी आसपास की साउंड को एलिमिनेट कर आपकी जो साउंड एक्सपीरियंस है उसको एनहेंस कर देता है। इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो पूरी प्लास्टिक है, पर जो क्वालिटी है इनकी प्लास्टिक के कारण ये काफ़ी लाइट वेट हो पाते हैं, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इनको आप पहनने के बाद आप भूल जाते हैं कि आपने पहन भी रखा है, क्योंकि नॉइस कैंसिलेशन की वजह से आपको आसपास की आवाज़ नहीं आती है। और ये काफ़ी कंफर्टेबल है, मैंने 4 से 5 घंटे तक पहन के रख सकता था टेस्टिंग के दौरान। अब बात करें इनकी बैटरी लाइफ के बारे में, जो कि मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी। मीवी क्लेम करता है इसमें 30 आवर्स की बैटरी लाइफ केस और ईयरफोन्स को मिलाकर, पर मुझे एक चार्ज में इसे एक ईयरफोन से मुझे 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप मिला, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव बात है। और ये चार्ज भी काफ़ी फास्ट होते हैं, क्योंकि इसमें USB-C का सपोर्ट है। अब इन ईयरफोन्स की कनेक्टिविटी की बात करें, तो मुझे एक हफ्ते से टेस्ट कर रहा हूँ, पर इनके अंदर कोई भी कनेक्टिविटी इशू देखने को नहीं मिला है। और क्योंकि इसमें ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, और इसके अंदर क्वालकॉम का एप्टेक्स का सपोर्ट भी मिलता है, तो अगर आपका फ़ोन उसे सपोर्ट करता है तो उसके बाद आपको लेटेंसी बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी, पर अगर नहीं भी है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और ब्लूटूथ 5.0 की वजह से आपको काफ़ी लंबी रेंज देखने को मिल जाती है। ये ईयरफोन्स आपको IPX4 की रेटिंग के साथ में मिलते हैं, जिसकी वजह से आप इन्हें बारिश में या फिर कुछ पसीने से कुछ भी ख़राब नहीं होंगे। और उनकी कुछ बात खास बात है, जैसे कि आपको बॉक्स में USB-C केबल देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जिसकी वजह से आप अपने फ़ोन के चार्जर से भी इन्हें चार्ज कर सकते हैं। और इनका बेस जो है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसमें आपको ये जो बड्स के यहाँ पर जहाँ पर मीवी की ब्रांडिंग है, यहाँ पर आपको टच सेंसिटिविटी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप डबल टैप करते हैं तो आपका साउंड ट्रैक जो है वो आगे पीछे हो जाता है, सिंगल क्लिक से ये पॉज और प्ले हो जाते हैं, और ट्रिपल क्लिक करेंगे तो जो भी आप असिस्टेंट यूज़ करते हैं, गूगल असिस्टेंट या बिक्सबी या सीरी, ट्रिगर कर देते हैं। अब बात करें इनकी चार्जिंग केस की बिल्ड क्वालिटी की, तो ये पूरा प्लास्टिक बिल्ड है और काफ़ी सही है, और ये जो केस की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है, और ये आसानी से पॉकेटेबल है। अब बात करें कंक्लूजन की, कि आपको ये खरीदने चाहिए कि नहीं, तो मेरे हिसाब से ये 2999 की प्राइस को जस्टिफाई करते हैं, और इनके साउंड क्वालिटी को देखकर और इनकी कनेक्टिविटी, खासकर कनेक्टिविटी को देखकर मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप इन्हें बाय कर सकते हैं मीवी के ऑनलाइन स्टोर से, और अमेजन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप किसी बजट ईयरफोन को कंसिडर करना चाहते हो तो आप इन्हें कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वे भी जान सकें इन्हीं मीवी के ड्यूओपोर्ट्स M80 के बारे में। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।